नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने ग्रो बैग गार्डन की अपडेट देने वाला हूं कि ये कैसा हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और हर्ब्स लगाए थे कुछ दिन पहले, तो अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। ये पूरा अंदर भरा हुआ है फ्रूट्स से, बहुत सारे फ्रूट्स इसमें लगे हुए हैं और नए भी आ रहे हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ काफ़ी अच्छा हो रहा है। इतना सा ग्रो बैग है और उस हिसाब से बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा प्लांट। इसको फुल सन में मैंने रखा हुआ है। सारे प्लांट जो यहाँ पे आपने मैंने लगाए हुए हैं, जो भी आप देखेंगे, सारे फुल सन में ही हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी ठंड का मौसम है। पार्सली का प्लांट है और बहुत अच्छा हो गया है, बुशी हो गया है। और टोमेटो में भी काफ़ी सारे फ्लावर फ्रूट्स आए थे, अभी तोड़ लिए हैं तो ग्रीन बचे हुए हैं। बाकी जो जो रेड होते जाते हैं वो हम लोग तोड़ते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक प्लांट पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो नए फ्रूट्स नहीं सेट कर पाता है। और मिर्ची का पौधा इतना अच्छा नहीं हो रहा मेरा, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये कुछ दिन में ठीक करेंगे इसमें पेस्टिसाइड डाल के। और ये एक और टोमेटो प्लांट है, थोड़ा बीमार है। भटा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल प्लांट है, इसमें फ्रूट्स आते रहते हैं। और मिर्ची का ये वाला प्लांट बहुत हेल्दी है, देख सकते हैं आप कितनी सारी मिर्ची लगी है, जबकि आज ही मैंने हार्वेस्ट करी है इसमें से। उसके बाद भी बहुत सारी इसमें लगी हुई हैं और लगातार आ ही रहे हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो टोमेटोज जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे लगाए मैंने, और ये और दो तीन प्लांट्स हैं टोमेटोज के साथ में लगे हुए, और इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ है और हेल्दी फ्रूट्स आ रहे हैं। साथ में ये भट्टे का प्लांट है, इसमें से सब तोड़ लिए हैं तो अभी कोई फ्रूट तो नहीं है, पर नए फ्लावर्स आ रहे हैं तो कुछ दिन में इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे। और एक ये हर्ब लगी हुई है, थाइम, काफ़ी ग्रो हो गया। मैं इसमें से कटिंग्स निकाल लूँगा और प्रोपेगेट कर लूँगा, बहुत इजीली उग जाता है। और ये कुछ नए टोमेटो के प्लांट्स हैं, रोजमेरी के दो प्लांट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ अब इन्होंने पकड़ी है, तो कुछ दिन में ये बड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनकी भी कटिंग निकाल के और प्लांट्स बना लूँगा इनके। तो ये थी अपडेट। बाकी मैंने और कुछ प्लांट्स नीचे लगाए, माइक्रोग्रीन्स, लेट्यूस और ये सब, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।